वेलकम दोस्तों वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू और इस हफ्ते का आईपीओ है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज तो इस आईपीओ को लेके हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होगा पॉजिटिव्स क्या है नेगेटिव्स क्या है हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बताऊंगा इस आईपीओ को लेकर तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो तो चलिए समझते हैं प्रूडेंट एडवाइजरी करता क्या है प्रूडेंट एडवाइजरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप इन इंडिया एंड आर अमंग्स द टॉप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीगेटर समझ लीजिए म्यूचुअल फंड का वैसा ही है इनका काम है बेसिकली कंपनी ऑफर्स म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स लाइफ जनरल इंश्योरेंस सोल्यूशन स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज एस आई पी इंश्योरेंस गोल्ड अक्यूमुलेशन प्लान एसेट एलोकेशन एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स तो बेसिकली हर एक चीज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ये कंपनी प्रोवाइड करके देता है कंपनी ऑफर्स डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट डी डब्लू एम सोल्यूशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स नेमली फंड बाजार प्रूडेंट कनेक्ट पॉलिसी वर्ल्ड वाइज बास्केट एंड क्रेडिट बास्केट अगर आप देखोगे तो प्रूडेंट कारपोरेट एडवाइजरी इज अमंग्स द टॉप टेन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ एवरेज एसर्ट अंडर मैनेजमेंट के इसमें अभी तो म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में बहुत कम है दो से तीन परसेंट या पांच परसेंट कंसिडर कर लीजिए तो इस कंपनी का ग्रोथ आगे जाके बहुत ज्यादा होने वाला है जैसे जैसे लोग और भी इंटरेस्टेड होंगे डी मैट अकाउंट खोलाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा इस कंपनी को तो अभी एक चीज समझते हैं प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंडिपेंडेंट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप द कंपनी हैज बिल्ड ए नेशनल वाइड नेटवर्क सर्विसिंग 16,356 थाउजेंड थ्री पिन कोड्स स्टूडेंट Corporate एडवाइजरी सर्विस has थाउजेंड सिक्सटी सेवन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ थर्टी फाइव पॉइंट जीरो फाइव लैख लाइव पोलियोज एंड फिफ्टीन पॉइंट टू सेवन लाइव एस आई पी एज ऑफ डिसम्बर तो चलिए समझते हैं कि इस आई का ऑब्जेक्टिव क्या है टू कैरी आउट ऑफर फॉर सेल टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो बेसिकली जो OFS है वो करना है और लिस्टिंग गेन बेनिफिट लेना है इनको <laughs> तो चलिए एक नज़र इनके स्ट्रेंथ पे डालते हैं सबसे पहले तो ये जो ऑपरेट करता है अंडर पेनीट्रेटेड इंडियन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एंड ग्रोन एट अ सी ए जी आर ऑफ मोर देन ट्वेंटी परसेंट जो कि बहुत पॉजिटिव बात है प्रूडेंट एडवाइजरी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी बात है ये प्रूडेंट एडवाइजरी हैज़ अ पैन इंडिया डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद द एबिलिटी टू एक्सपांड इन टू अंडर पेनीटेटेड बी थर्टी मार्केट्स तो काफी ज्यादा स्कोप है इनके लिए आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम की भी बात की गई है एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने बैक किया है इसको तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है काफी अच्छी कंपनी है इनका वीकनेसेस की बात की जाए तो ऑपरेट्स इन हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट एंड एग्जिस्टिंग विद न्यू लॉज रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्टिंग द सेक्टर इन विच इट ऑपरेट्स कुड एडवर्सली एफेक्ट द बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर रेगुलेशन का रिस्क रहता है गवर्नमेंट का एंड एनवायरनमेंट का कभी भी इन पर रिस्क आ सकता है वो हमेशा ही बना रहता है डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन रजिस्टर्ड एम एफ डीज ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड एनी इन एबिलिटी टू रिटेन दैम वुड इम्पैक्ट द बिजनेस इन एबिलिटी टू गो दिस्टोरिकल रेट्स मेजर्स इन टर्म ऑफ ए यू एम ये सारे इनके भी हैं एंड एनी चेंज इन द टोटल एक्सपेंस रेशियो ड्यू टू द रेगुलेशन चेंज में रिड्यूज द डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इनकम तो अगर इनके एक्सपेंस रेशियो पर कोई चेंजेस आते हैं तो वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पर भी अफेक्ट कर सकता है तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं कंपनी के अगर नेगेटिव में गिने जाए तो चलिए फिनेंशियल डिटेल्स पर नजर डालते हैं टोटल रेवेन्यू जो है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी नाइनटीन को टू ट्वेंटी फाइव करोड था जो फिर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में टू थर्टी सिक्स करोड़ हुआ और 2021 में वो 295 हुआ तो स्टेबल ग्रोथ बढ़ रहा है एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी ओवरऑल बढ़ा है बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हम देखें तो वो बहुत ड्रास्टिकली नहीं बढ़ा है एक फॉल हुआ है 27 सेवन करोड्स था इनका वो गिर के 21.02 हो गया है 31 मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ मैं चलिए आई डिटेल्स की बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन डेट्स की बात करें तो टेंथ टू ट्वेल्थ मे ट्वेंटी को खुलेगा प्राइस बैंड इज़ अराउंड फाइव टू सिक्स थर्टी फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है सारा का सारा ओ है और अगर ओ की बात करें तो फाइव थर्टी एट पॉइंट सिक्स वन करोड़ बहुत बड़ा आई साइज़ नहीं है छोटा है तो इसका जो आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं मिनिमम बेड की बात करें तो ट्वेंटी थ्री शेयर्स का है फेस वैल्यू पाँच रहने वाला है रिटेल एलोकेशन थर्टी फाइव और एन और बी दोनों में ये लिस्ट हो जाएगा तो अभी हम बात करते हैं कि मिनिमम अमाउंट क्या होने वाला है, तो हो हो है नजर डालते हैं आईपीओ के टाइम टेबल में हमने ओपन डेट और क्लोज डेट की बात कर ली है टेंथ और ट्वेल्थ को जो है अलॉटमेंट डेट होगा मे एटीन को इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स मे नाइनटीन को हो सकता है थोड़ा डिले भी हो सकता है क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें तो मे ट्वेंटी को होगा आई का लिस्टिंग डेट है ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबने बहुत मेजर लोगों ने आई पी में अप्लाई किया है जिसके वजह से उनका रिफंड वहाँ से आना बाकी है अगर उनको नहीं मिलता वो आई तो उनका पैसा वहाँ पे फंसा रह सकता है तो ये एक हर्डल हो सकता है इस वाले आई के लिए बट लेट्स सी तो एक बार पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं आई आई वेल्थ मैनेजमेंट का 39 का पी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का 21.40 का पी है सी का 69.70 है इसकी पी की बात की जाए तो 45 फाइव टू फिफ्टी के अराउंड आता है पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना महंगा है ये स्टॉक उससे पता चलता है जस्ट बिकॉज इसका अभी अभी आईपीओ लॉन्च हो रहा है और 45 से 50 का पी है इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है इसके वैल्यूशन काफ़ी टॉप नॉच है जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है बहुत कम गेंस होने के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं अराउंड फोर टू फाइव का गेंस है एक्सपेक्टेड जो थर्टी फाइव रुपीज़ के अराउंड आता है जी की बात कर रहा हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर मेरी फाइनल वर्डिट की बात की जाए तो मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट तो है ये एक एवरेज सी कंपनी लग रही है जस्ट बिकॉज कि इसकी वैल्यूएशन बहुत टॉप नॉच में आई हैं ये बहुत ज्यादा पी डिमांड कर रही है और हर एक चीज ओएफएस को ही जाने वाला है इनका कोई बेनिफिट नहीं लेने वाले तो एक शेयर होल्डर का थोड़ा रिलेक्टेंसी फील होता है देयर होता है मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आईपीओ तो मैं डे टू तक का वेट करूंगा देखूंगा कि कैसे सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं अगर पंद्रह तक जीएम जाता है डेफिनेटली मैं अप्लाई करने का सोच सकता हूँ थोड़ा रिस्की हो जाएगा बट देन डेफिनेटली अगर गेन्स मुझे मिलेंगे तो मैं अप्लाई करूंगा मैं इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट में अपना भी पिन कर दूंगा डे वन का रिजल्ट और डे टू में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी मैं बता दूंगा ऑल्सो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं कोई भी अपडेट हो कुछ भी हो इससे रिलेटेड मैं अपडेट कर दूंगा अगर मैं अप्लाई करने वाला हूँ तो मैं वो भी बता दूंगा रीज़न भी बता दूंगा सो so डैट आपके लिए भी आसान हो जाए लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम ग्रुप का एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा एंड अब और दो आई के रिव्यूज़ में मैं तुरंत लाता रहूँगा ऐसे तीन आई आने वाले हैं इस हफ़्ते तो बहुत ज़्यादा आई होने वाला है इस हफ्ते तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड थैंक यू सो मच बाय बाय